हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो हम क्लास सिक्स एक्सरसाइज नंबर 10.1 का क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट बी पार्ट सॉल्व करेंगे। ए पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था और जो नेक्स्ट पार्ट है सी वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए सी आपका पीस ऑफ स्ट्रिंग दे रखा है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, एक इसको चेंज किया था एक स्क्वेयर में, एक स्ट्रिंग को चेंज किया था स्क्वेयर में, और इस बार इस स्ट्रिंग को चेंज कर रहे हैं हम किसमें, इक्विलेटरल ट्राइंगल में। और सेम कि जितना इसका लेंथ है स्ट्रिंग का, सेम रहेगा पेरीमीटर इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल किसके इक्वल हो जाएगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि हम सेम यूज कर रहे हैं। तो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ओके, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें, सॉल्यूशन में देखिए तो पेरीमीटर ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल ये किसके इक्वल हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल का नेमिंग कर लें एबीसी। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। और ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के इक्वल क्यों है, क्योंकि हमने स्ट्रिंग को ही इक्विलेटरल ट्रायंगल में चेंज किया है, उसी को ही इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है उसी स्ट्रिंग से। तो देयरफॉर इट विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आप क्वेश्चन में देख सकते हो ये दे रखा है 30 सेंटीमीटर। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी 30 सेंटीमीटर, आपको क्या निकालना है साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तीन इक्वल साइड्स, तो तीन इक्वल साइड्स है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 into side, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, 3 into side। अब हमें निकालना है इसमें साइड, तो साइड निकालने के लिए हमें 3 को दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा, इक्वल टू की दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए साइड के साथ क्या 3 किस में है, मल्टीप्लाई में, तो दूसरी तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो साइड इक्वल टू 30 divided by 3, अब इसको अगर आप कैंसिल कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज 30 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में 3 है, डिवाइड कीजिए कितने टाइम्स आता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो एक साइड कितने की हो गई इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की, 10 सेंटीमीटर की। तो लास्ट में लिख देंगे हैंस ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC क्यों, क्योंकि हमने खुद नहीं लिखा है नेमिंग, आप इसका दूसरा नेम भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से, आपको जो भी अच्छा लगता है, लेकिन ये याद रखना है ये तीनों अल्फ़ाबेट्स डिफरेंट होना चाहिए, ओके। तो और ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, तो इक्वल्स टू नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इज 10 सेंटीमीटर। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू।